बकेट फिश। मच्छीपुरा के गांव में मनी कहकर एक आदमी रहता था। उस मच्छीपुरा गांव के बहुत लोग समुन्द्र में मछली पकड़कर जी रहे थे, लेकिन उन मछलियों को वे लोग कस्टमर्स को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उधर जग्गू कहकर एक आदमी इन सब के पास मछली खरीदता था और उन मछलियों को लोग उनके कहे दाम पर ही बेचते थे। मिले फायदे में थोड़े ही पैसे उनको देकर जग्गू उन मछुआरों को बहुत कम देता था। बहुत लोग जग्गू उनके ऊपर कैसे राज करेगा कहकर पूछते थे, लेकिन जग्गू का नाम प्रतिष्ठा और पैसों को देखकर डर के मारे रुक जाते थे। जग्गू उधर मछुआरों को अधिक ब्याज में उधार देता था नाव खरीदने के लिए और बाकी के आवश्यकता के लिए। लोग तो पैसे उस जग्गू के पास ही लेते थे। उधर कोई भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई जो किया वो केवल मनी एक ही था। एक बार जग्गू मछली बेचने का जगह पर आकर एक व्यक्ति से, क्यों रे ओपी, मेरे पैसे अभी तक लौटाए नहीं, पूछा। तब ओपी, मालिक इस बार मछलियाँ अच्छे से बिक्री नहीं हुए हैं और मेरी पत्नी का सेहत भी बहुत खराब हो गई है, इसलिए थोड़ा देरी हो गई है भैया, कहा। तब जग्गू, अरे तुम इतना देरी कर रहे हो इसलिए और एक 500 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, समझ में आया? नहीं तो पता नहीं ना तुम्हारा झोंपड़ी नहीं रहेगी और तुम्हारा व्यापार बंद हो जाएगा। मछली पकड़कर जीना है तो मेरा बात सुनना ही पड़ेगा, कहा। तभी मनी उधर आया। मनी जग्गू से, ये क्या है जग्गू साहब, उप्पी आपको इतने पैसे क्यों देना है? ऐसे आपके मर्जी से अधिक ब्याज लगाएंगे तो हमें कैसा जीना है, पूछा। तब जग्गू, क्यों रे मुझको ही धमकी देते हो, मेरा मर्जी है रे, पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं ब्याज के ऊपर अधिक ब्याज लगाता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? याद में रखो, अगर तुम्हें इस मार्केट में मछलियाँ बेचना है तो मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, कहा। तब मनी, इस गांव को सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहे जैसा करके, बाकी के गांव से हमें दूर करके, इधर जो हो रहा है वो अन्याय के बारे में दूसरों को मालूम चले बिना कर रहे हो ना, जल्दी ही तुम्हारा पाप का फल मिलेगा जग्गू, कहा। तब जग्गू, अरे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब के अब क्या होगा पता है? तुम्हारा मछली का व्यापार इधर से निकाल दोगे, बाद में तुम भीख मांगोगे, कहकर उनका अनुगामी से कहकर मनी का मछली का दुकान को नाश करवाया। मनी बहुत दुखी हुआ। तब जग्गू, अरे ओए अगर किसी से पंगा लेना है तो पहले उसके बारे में पता करना चाहिए, अब से तुम यहाँ मछलियाँ नहीं बेच सकते हो, कहीं और जाकर बेचने से भी तुम्हारे पास कोई भी नहीं खरीदेंगे, अब से तुम जो पकड़ते हो उन मछलियों को खुद पकाकर खाना पड़ेगा, कहा। तब मनी घर में बहुत दुखी होकर क्या करना है सोचने लगा। तब मनी की माँ, मनी घर में गैस खत्म हो गया है, बोली। तब मनी, मुझे माफ करो माँ, अब मेरे पास पैसे नहीं है, जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ कर पैसे कमाता हूँ, तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए मुझे माफ करो माँ, कहा। तब माँ, अरे गैस नहीं है तो क्या हुआ, इससे पहले तो हम सब लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना पकाते थे, कुछ देर रुको कुछ मछली है उनको पकाती हूँ, कहकर बर्तन के लिए ढूंढने लगी, लेकिन उनके पास जो मिट्टी का मटका था वो भी टूट गया। तब माँ, कोई बात नहीं है बेटा, कहकर मछली लेकर उनका चमड़ी उतार कर उनको अच्छे से मसाला लगाकर एक छड़ी जमीन में लगाकर उसके ऊपर मछली लगाकर उस मछली के ऊपर एक बकेट लगाकर उसके ऊपर घास लगा दिया। बाद में उस घास को जलाए, उस गर्मी से वो मछली अच्छे से पकने लगी। वो मछली मनी को बहुत अच्छा लगा। बाद में मनी को एक विचार आया, वो भी बकेट फिश बनाकर बेचना शुरू किया। वो बकेट फिश बहुत स्वादिष्ट रहने के वजह से लोग आकर अच्छे से खरीदने लगे। ऐसे थोड़े ही दिन में वो बकेट फिश बहुत मशहूर बन गया। धीरे धीरे से YouTube चैनल वाले आकर मनी के होटल के पास वीडियो ब्लॉग्स बनाना शुरू किए। ऐसे वो बकेट फिश के बारे में पूरा देश में फैल गया। ऐसे एक इंटरव्यू में मनी उनका गांव का हालत के बारे में बताया। वो इंटरव्यू देखकर बाकी के लोगों को उस गांव का हालत के बारे में पता चला। मनी अच्छे से पैसे कमाया और उसको बहुत लोगों से परिचय भी हुआ। ऐसे मनी जग्गू के खिलाफ जाकर उसके बारे में गांव वालों से कहकर उसका सामना करने के लिए उनके पीछे वो रहेगा कहकर वचन दिया। ऐसे गांव वाले मिलकर जग्गू को और उनके अनुगामियों को पकड़कर खूब पीटे। तब जग्गू वो गांव छोड़कर भाग गया। तब मनी उस गांव में एक अच्छा सा मछली का मार्केट बनवाया, उसके जैसे व्यापार करने वालों को सहायता करने लगा।